हेलो गाइस, गाइस स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आपको आईएसएल के बारे में कुछ छोटे मोटे अपडेट्स देने हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मैं फुटबॉल से रिलेटेड इस तरह के अपडेट डेली लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से अभी अभी एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि गाइस जो अरिंदम भट्टाचार्य है उनको गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से पूरा पूरा रिलीज कर दिया गया है। ऐसे भी गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में उनको उतना मौका भी नहीं मिलता था, उन्होंने बस 10 ही मैच खेला था। अब देखो गाइस अरिंदम भट्टाचार्य कौन से नए क्लब में जाते हैं। और गाइस सेकंड में बात कर लेते हैं रिदीम तलांग के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा गाइस एफसी गोवा से रिदीम तलांग को पूरा पूरा रिलीज कर दिया गया है। इसलिए गाइस जमशेदपुर एफसी टारगेट कर रही है रिदीम तलांग को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। अब देखो गाइस ये डील पूरा पूरी डन हो पाता या फिर नहीं। और गाइस थर्ड नंबर में बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में। तो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी से अभी अभी एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि गाइस जो जेडी है गाइस उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा एक्सटेंशन कर दिया गया है, जो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी फैंस के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के सामने आ रहा है। और गाइस फोर्थ नंबर में बात कर लेते हैं गुरसिरमत सिंह गिल के बारे में। तो गाइस एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि गाइस जो गुरसिरमत सिंह गिल है वो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं। और गाइस मैं बता दूं गाइस ये जो प्लेयर है गाइस ये मुंबई सिटी एफसी की तरफ से भी खेल चुके हैं। अब देखो गाइस ईस्ट बंगाल एफसी इस प्लेयर का डील पूरा डन कर पाती या फिर नहीं। बस यही बोलना था, चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।